17 साल के हो, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं आप शोबिज में आ गई। किस क्लास में हो? सेकंड ईयर में, 2-1, 2-2, 2-4, 2-3, 6-4, 8-5, 10-6, 12। घर क्या बताया हुआ है? KFC में जॉब करती हूँ। माँ बाप पूछते नहीं कि इतना तैयार हो के कौन से KFC जाती हो, कभी हम भी वहाँ पे बर्गर लेने आ जाएं? तो नहीं, लेकिन मैं अपना एक नाम बनाना चाहती हूँ, एक मुकाम चाहती हूँ इसलिए, और मुझे शौक क्या है शोबीस का। लेकिन शोबीस का माहौल बड़ा ख़राब है, बड़ी बड़ी ऑफर्स आ जाती हैं, लड़कियाँ जो आ जाती हैं फिर उनकी इज्जत महफूज नहीं रहती। मैं भी क्या, चलो मैं भी कीड़ा काट ही लेनी हूँ जाके, शोबीस क्या है मैंने बहुत सुना था, क्योंकि जब मैंने देखा है सुना है फिर मेरा दिमाग किस जगह पर ठहर गया था कि नहीं था जाता, दिल के अंदर जा जा। ऑफ नहीं आता जब रात को निकलती हूँ? नहीं, 2-7, 14, 2-8, 16। इस इंटरव्यू के बाद उन्हें पता तो लग जाएगा हमारी बच्ची KFC नहीं, ड्रामों में काम कर रही है। कुछ पैगाम देना चाहती है वालिदैन को? हाय अल्लाह, मैं क्या पैगाम दूँ, मेरी यही गुजारिश है जो भी मेरा अपना ये वीडियो देखे वो गुस्सा ना करे, शांति से मेरे पास आए और मुझे पूछे पुत्र आया तू कम क्यों कीता है। कम उम्र में शोबिस में आई ये लड़की आखिरकार है कौन? मजबूरी में आई है या शौकी आई, इसी से जानते हैं। नाम क्या है? परी जान। परी जान, कितने साल की हो? 17। 17 साल की हो? 17 साल की हो, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं आप शोबिस में आ गई? नहीं, आई थिंक स्कूल तो नहीं, इसी एज के बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाते हैं, स्टडी भी करते हैं? जी। किस क्लास में हो? सेकंड ईयर में। ये शौक से आई हो? जी शौक है मुझे। घर वाले तो बड़ा बुरा समझते हैं, घर वाले चाहते हैं कि हमारी बच्ची कोई डॉक्टर बने, हमारी बच्ची कोई ऐसा काम करे जिससे मुल्क का नाम रोशन हो, कोई प्रोफेसर बने, कोई टीचर बने, लेकिन आपको शोबिस में आने की इजाज़त दे दी उन्होंने? उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है, तो शोबिस में काम कर रही हो? जी। कहाँ की हो? लाहौर की। लाहौर की हो, तो अब पता तो लग जाएगा वालिदैन। अब आप फेमस करना चाह रहे हैं तो मैं हो जाती हूँ। रात के 2 बज गए हैं, रात के 2 बजे घर से बाहर हो, वालिदैन को पता ही नहीं? 2 तो नहीं बजे, कम टाइम अभी। 2 से ज़्यादा हो गए? नहीं, 2 से कम है। चलो 2 से कम भी होगा, 1 बज गया, 1:30 बज गया, लेकिन घर वाले नहीं पूछते कि परी किधर गई है? जॉब्स नहीं है। कुछ और बताया हुआ, झूठ बोला हुआ? जॉब करती हूँ। घर क्या बताया हुआ है? KFC में जॉब करती हूँ। KFC में जॉब करती हो, तो झूठ बोल के घर वालों से शोबिस ज्वाइन किए हुए हैं, घर वालों को पता लगे घर वाले नाराज़ नहीं होंगे? मैं मना लूँगी। मना लोगी तो मान जाएंगी शायद? शोबिस तो करेंगे, जाहिर है इज्जतदार घरों की लड़कियाँ इस शोबिस में आ जाएं तो फिर हर वाले दैन करेगा कि क्यों गई, किस तरह गई, कैसे पहुँच गई, लेकिन मैं अपना एक नाम बनाना चाहती हूँ, एक मुकाम चाहती हूँ इसलिए, और मुझे शौक क्या है शोबिस का। किसको देख के आई थी शोबिस में? मैं सबको देख के, मैं निदा चौधरी की फ़ैन हूँ, मैडम खुशबू खान की, खूबजत कैफ की, तब सब मुझे बहुत पसंद है और सबको मैं देखती हूँ, और मेरी तमन्ना थी मन से लाइफ मिलूँ जो कि मैं मिल रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मैं ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए शोबिस में आ गई थी। जी। क्या क्या, कितनी देर हो गई है ज्वाइन किए हुए शोबिस? 1.5 मंथ। 1.5 मंथ में क्या क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा है, इधर का माहौल देखा है। कहा जाता है कि शोबिस का माहौल बड़ा ख़राब है, बड़ी बड़ी ऑफर्स आ जाती हैं, लड़कियां जो आ जाती हैं फिर उनकी इज्जत महफूज नहीं रहती। तो नहीं, अपने इंसान की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऑफर जितनी मर्जी करें, ऑफर ही करेंगे ना, उठा के तो नहीं ना लेके जाएंगे। मैं भी क्या, चलो मैं भी कीड़ा काट ही लेनी हूँ जाके, शोबिस क्या है मैंने बहुत सुना था, क्योंकि जब मैंने देखा है सुना है फिर मेरा दिमाग किस जगह पर ठहर गया था कि नहीं था जाता, दिल के अंदर जा जा। क्या सीखने की आई हो? डांस? सब कुछ सीखने आई हूँ। सब कुछ सीखोगी? सब कुछ सीखूंगी। दुनियादारी तो सीख ली होगी? वो तो फिर जाहिर है, इधर आ गई तो दुनियादारी देख ही आई हूँ, ऐसे थोड़ी आ गई हूँ उठा कर। रात को अकेली घर जाती है? नहीं, है 2-3 बॉडी गार्ड जो छोड़ने जाते हैं। सच बोल रही हो कि झूठ बोल रही हो? लग तो रहा है झूठ बोल रही हूँ। झूठ बोल रही हूँ। झूठ बोल रही हो। खौफ नहीं आता जब रात को निकलती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। नहीं। माँ बाप पूछते नहीं कि इतना तैयार हो के कौन से KFC जाती हो, कभी हम भी वहाँ पे बर्गर लेने आ जाएं? तो नहीं, तैयार उनको पता, नॉर्मली तैयार मैं अपने घर से तैयार होके निकलती हूँ, हल्का फुल्का, और जो हल्का फुल्का होता है वो इधर कर लेती हूँ, इधर का इधर उतार जाती हूँ, अपने घर का घर ले जाती हूँ साथ में। पढ़ती हो ना, स्टडी करती हो आपने बताया, कोई जो हम कुछ सुन लें आपसे?
पता ना कि पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती। क्या सुनना चाहते हो? बारह ही सुना दो। टू वन द टू टू द फोर टू थ्री द सिक्स टू फोर द एट फाइव द टेन टू सिक्स द ट्वेल्व टू सेवन द फोर्टीन टू एट द सिक्सटीन टू। आप जैसे बच्चे ना इस उम्र में ये काम करते हैं और आप शोबिज में आ गई हो। नहीं ये काम तो नहीं खैर करते, ये काम तो आजकल पीजी के बच्चे कर रहे हैं। ये काम अभी लगती तो वही हो ना, छोटी सी। तो फिर छोटी सी पढ़ी हूँ। छोटी सी पढ़ी है फील्ड में ना, इसमें बड़ी मुश्किल आती हैं। आपने कौन कौन सी मुश्किल अभी तक फेस की हैं? नहीं मैंने अभी तक कोई मुश्किल फेस नहीं की। स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती? करनी पड़ती है ये स्ट्रगल। या ये इधर इस टाइम बैठे हैं मेरे ऐसे कर रहे हैं, ड्रामा चलाते हैं, वर्ड टू वर्ड सारा कुछ करते हैं, ये हमारी स्ट्रगल ही है। इतनी इतनी बड़ी बलाएं बैठी हैं जिनको कहा जाता है, जिन्होंने इतना नाम कमाया, इतनी मेहनत की है, अब इस मुकाम पे पहुंची, आपको लगता है कि उनके बराबर तक भी पहुँच जाओगी? इंशाल्लाह उनसे ऊपर जाऊँगी। ऊपर जाओगी जी बिल्कुल। वक़्त है, वक़्त के साथ साथ सारा कुछ होता है। आखिर उन्होंने भी इतने अरसों में अपना मुकाम लिया हुआ है, तो हमें भी कुछ अर्सा लगेगा। शोबिज़ में आ गए, फिर टिकटॉक वगैरह भी बनाती होगी? नहीं मुझे नहीं, शौक नहीं है। शौक नहीं है, फजूल फेमस होने का शौक। मेहनत करके फेमस होने का शौक? मेहनत करके फेमस होना है, ऐसे ही है। मुझे फजूल नहीं है अभी, इस तरह कर लो। नहीं यहाँ पे काम करें बस। वालिदैन देखेंगे इस इंटरव्यू के बाद, उन्हें पता तो लग जाएगा हमारी बच्ची KFC नहीं, ड्रामों में काम कर रही है। कुछ पैगाम देना चाहती है वालिदैन को? हाय अल्लाह मैं क्या पैगाम दूँ, मेरी यही गुजारिश है जो भी मेरा अपना ये वीडियो देखे वो गुस्सा ना करे, शांति से मेरे पास आए और मुझे पूछे पुत्र है तू काम क्यों कीता है, और मेहरबानी है लड़ाइयाँ लड़ूइया ना डालने, कोई क्यामत ना लाइएगा। बाकी उनका प्यार उनकी दुआएं मेरे साथ हैं मुझे पता है, लेकिन मैनू माफ़ कर देना। इंटरव्यू देखने के बाद गला दबा के मार दे? नहीं नहीं ऐसा जुलम नहीं करेंगे, मेरी यही गुजारिश है उनसे फजूल गुस्सा ना करें, क्योंकि मेरे घर पे अगर मेरे कोई बाहर देखेगा तो उनसे भी यही है कि मेरे घर कुछ नहीं पता, घर वालों पे भी गुस्सा ना कोई करे और मुझ पे तो बिल्कुल भी ना करे, मैं बहुत मासूम हूँ और बाकी जो होगा वो फेस कर लेंगे। बिल्कुल ऐसी है, मासूम है लेकिन अपने शौक के तहत आ गई है। इसके मुताबिक जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, इस बच्ची ने शोबिज़ में कदम रख लिया।